चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा मुझे ये बात बताएं, कल हमने पढ़ा था डेटा वैलिडेशन के हवाले से, तो डेटा वैलिडेशन में कोई मसला है किसी बच्चे को? अच्छा डेटाबेस वाले फंक्शंस पढ़े, उसमें कोई मसला है आप लोगों को? क्लियर है, चले आगे। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दे गया था, उससे हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, सही, और फिर हम क्या करेंगे आगे आज के एडवांस टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, वही शीट आप क्लासरूम से डाउनलोड कीजिएगा, उसी शीट पे हम जाते हैं। और मुझे बताएं, हमने जो डेटाबेस वाले फंक्शंस लगाए थे वो कौन सी शीट पे अप्लाई किए थे? डेटाबेस वाले फंक्शंस कौन सी शीट पे अप्लाई किए थे, याद आ रही कुछ? हाँ वेरी गुड, फंक्शन लिस्ट पे किए थे ना, ऐसे ही है ना, लिस्ट फंक्शन वाली शीट पे किए थे। अब चलें जल्दी से हम, क्योंकि डेटाबेस वाला एक हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्ज करें कि हम डिवीजन कैटेगरी ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से टोटल सेल को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इनका हम कॉलम की विड्थ भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखें डिवीजन और कैटेगरी मैं क्या करूंगा, 20 हम अगर लगाने जा रहे हैं तो इसको एज अ क्राइटेरिया यूज करूंगा, और टोटल सेल वाले कॉलम में मैंने क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे भाई, फार्मूला कैसे इनिशिएट होगा भाई? हेलो, क्या नाम है बच्चे आपका, खड़े हो जाओ, बताओ जरा कैसे फार्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं, इस्तेमाल फार्मूला स्टार्ट कैसे करता है एक्सेल में कोई भी? पहले इक्वल का साइन आएगा, क्या होगा, इक्वल का साइन आएगा, फिर क्या होगा, फार्मूला का नाम आएगा ना, जो भी लगाना चाह रहे हो, डी एस यू लिखा नीचे फार्मूला पूरा आ रहा है। अब मैं बाकी लफ्ज नहीं लिखना चाहता, क्या दबाऊंगा, टेप का बटन, क्या दबाऊंगा, टेप का बटन दबाऊंगा, तो मेरा फार्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था दो ऑप्शन थे आपके पास, या तो यहाँ से डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, एक तरीके का ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से एफएक्स का बटन आ रहा है आपके पास, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन का, इसमें क्लिक करें और यहाँ से आप डेटाबेस फील्ड और क्राइटेरिया दे दें। डेटाबेस क्या है, आपका पूरे का पूरा डेटा जहां तक आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब देखो शॉर्टकट सेलेक्ट करने का क्या है, बताया था शायद आप लोगों को, मैंने नहीं बताया, कंट्रोल और शिफ्ट दबाओगे आप, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और राइट बटन को प्रेस करना है। तो देखो जहां तक राइट साइड पे जितना डेटा आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब डाउन वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखो और डाउन की को प्रेस कर लो कीबोर्ड की, जहां तक नीचे डेटा आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, आपको माउस से नीचे लंबा स्क्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई, दोबारा देख लें भाई, देखें ये मेरा डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ, अब पहले सेल में मौजूद हूँ, कंट्रोल दबा के रखा, शिफ्ट भी दबा के रखा, राइट की को प्रेस किया, राइट साइड में जितना डेटा है सारा सिलेक्ट कर लिया इसने। फिर डाउन वाले डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट की दबा के रखा है, डाउन वाले की को प्रेस किया, नीचे वाले डेटा को भी क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। समझ में आ गई, एक तरीका ये हो गया। अब डेटा बेस हमने सिलेक्ट कर लिया, अब फील्ड सिलेक्ट करनी, फील्ड क्या होती है, फील्ड, वेरी गुड, हाँ, यानी कि जो आउटपुट में देखना चाह रहे हो, आउटपुट में कौन से कॉलम से रिजल्ट निकालना चाह रहे हो भाई, टोटल सेल आउटपुट में हमें चाहिए ना, तो ये हमारी फील्ड कहलाएगी। तो यहां से टोटल सेल्स को हमने क्या करना है, सिर्फ उसके हेडर पे क्लिक कर लेना, ये हेडर आपका फील्ड कहलाएगा, फील्ड भी होगा। फिर क्राइटेरिया पे आते हैं, क्राइटेरिया क्या है, हाँ देखो क्राइटेरिया के बारे में क्या रहा, क्राइटेरिया इज द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन द कंडीशन यू स्पेसिफाई, यानी कि क्राइटेरिया हमारे पास वो रेंज ऑफ सेल्स होते हैं जहां पे आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई करोगे कि भाई अगर आपका डिवीजन है, अगर आपका डिवीजन है तो आप डिवीजन स्पेसिफाई करोगे, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, क्या हो, अगर आप कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो तो वो कैटेगरीज वहां पर आएंगी। तो क्राइटेरिया आप ले लेते हैं, क्राइटेरिया आप कहां पर देंगे, हम यहां से देंगे, लेकिन क्या कहा, क्राइटेरिया के साथ आपने एक इजाफी सेल भी सिलेक्ट करना है, दो क्राइटेरिया ले रहा हूं तो दो इजाफी सेल नीचे वाले सिलेक्ट करूंगा, ये हो गया। करने के बाद यहां से मैंने ओके पे क्लिक करना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 20 का फॉर्मूला मेरा
बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ईस्ट, तो ईस्ट की सेल आ जाएगी, सही है। लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा, या मैं भी चेक कर रहा हूँ, तो सकता है ऐसा हो कि सप्लाई की स्पेलिंग गलत लिख लूँ। जब सप्लाई की स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो क्या होगा, वो तो रिजल्ट तो नहीं शो करेगा ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पर भी हम डेटा वैलिडेशन की ट्रिक लगाएंगे, डायनेमिक फॉर्मूले को भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं कि भाई वहां पर गलती का चांस ना हो। भाई देखो मैंने गलत स्पेलिंग की तो रिजल्ट नहीं आया था, मैं स्पेलिंग ठीक करके लिखूंगा, सर मसले की बात नहीं है, लेकिन भाई टाइम तो जाया हो रहा है ना, हमारा टाइम जाया हो गया एक तरह से, तो इस मसले का हल क्या है देखते हैं। अब आप करेंगे क्या, जैसे मिसाल के तौर पर यहां से कैटेगरीज में उठाता हूं और यहां से लेसन को कॉपी किया मैंने और यहां पे राइट क्लिक किया और पेस्ट वैल्यूज कर दी मैंने, फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ मेरी वैल्यूज एज इट इज पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे डेटा वैलिडेशन लगानी है, तो डेटा वैलिडेशन कहां लगाने लगाऊं, मैं इस सेल पे लगाने लगाऊं, तो इसको क्लिक किया, कहां पे जाऊंगा, डेटा टेप पे जाऊंगा और यहां पर कहां जाना है, डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे गया और यहां से मैंने लिस्ट चूज करना है और यहां से सोर्स में जाके मैंने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, समझ आ गई, ये सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहां पर मेरे पास सारी कैटेगरीज आ रही है, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा, अब स्पेलिंग गलत होने का चांस खत्म हो गया, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की सारी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी, समझ आ रही है। यहां पे क्लिक करूंगा, मिसाल के तौर पर रैंक पे क्लिक करूंगा, रैंक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, समझ आ गई बात। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन को डायनेमिक फॉर्मूले पर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि वहां पर हमारी इनपुट वैल्यूज हमारी गलत ना हो, नहीं समझ में आती बात। डेटा में एक ही दफा लिखनी पड़ेगी ना आपको, तो उसका क्या करें भाई, उसका तो एक दफे तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, लिस्ट बना दो तो फिर डेटा वैलिडेशन लगा दो, जस्ट आपने फिल्टर करने के लिए उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम तो डेटा एंटर करना पड़ेगा ना शीट में, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, फर्स्ट टाइम तो डेटा शीट में एंटर करना पड़ेगा, बाद में आप टिक्स लगा के बाकी चीजें करके आप उसको स्पेसिफाई समराइज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आती बात, क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, वो है पिवट टेबल्स। देखिए पिवट टेबल हमने पढ़ा है हम लोगों ने, पिवट टेबल हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसको एडवांस वर्जन में नहीं पढ़ा, आज थोड़ा सा एडवांस तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मजीद डेप्थ में जाएंगे उसकी। तो पिवट टेबल स्टार्ट करते हैं, पहले तो बताएं पिवट टेबल होता क्या, पिवट टेबल क्या होता है, याद आ रहा है किसी को, पढ़ा हुआ है यार, आप लोग तो ऐसे ऐसे इंप्रेशन दे रहे हो कि पता नहीं जो है ना, पहली दफा नाम सुन रहे हो, यार छोटे छोटे बच्चे से पहले वाली क्लास में सारों ने जवाब दिया है, सर ये होता है वो होता है वो होता है ये होता है। ठीक है और बताएं जरा, हाँ भाई अब्दुल्ला क्या कर सकते हैं, डेटा को क्विक एनालाइज करते हैं और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और, हाँ भाई क्या करते हैं पिवट टेबल्स में, तो बेटा कॉपी पे ना लिखे ना, जहन में बिठाए ना इस चीज को, और अभी भी कॉपी पड़ी हुई कॉपी उठा के आपको जहमत नहीं खिला, तब से स्टार्ट है कि मैं चीज नोट कर लूं। तो भाई और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी बच्चे ने अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया डेटा वैलिडेशन का डायनामिक फॉर्मूला को अप्लाई करने का, वो भी आप में से किसी ने टॉपिक का नाम तक नहीं लिखा होगा, स्पून में डाल डालते थे हम लोग भाई, हर चीज बतानी पड़ेगी आप लोगों को, फिर पता ही नहीं होता कि क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं क्या क्या नहीं पढ़ चुके। ये तो ऐसा ही है कि आप आ रहे हो बस बैठ रहे हो टाइम जाया कर रहे हो जा रहे हो, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है इसका, घर पे जाओगे एक घंटे के बाद जो पढ़ा था सारा भूल जाओगे, और वीडियो लेक्चर देखने की तो तकलीफ होती नहीं आपको, क्योंकि इतनी सारी मूवीज हैं उनको कौन देखेगा लेक्चर देख लेंगे तो, है
मजा आया तेरे को लेक्चर देखने में, मूवीज देखनी है, पता नहीं क्या क्या शोज देखने हैं, है ना, रील्स देखनी है, फेसबुक पे टाइम देना है ना, तो ऐसे भी करो भाई, ये टॉपिक्स लिखो ताकि कम से कम जेन में रहे तो सही, ये पढ़ चुके हैं भाई, जेन में आए तो सही आपके बात में। खैर आगे चलते हैं, तो देखिए भाई हमारे पास जो पिवट टेबल होता है, बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने, कि बड़े डेटा को समराइज करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए एक ये रो डेटा मौजूद है, एक ये हमारे पास सेल्स डेटा पर अगर मैं आऊं शीट में, तो देखिए ये सारा मेरे पास जो डेटा मौजूद है ये रो फॉर्म में मौजूद है। अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई कौन से महीने में सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन समराइज फॉर्म में मेरे सामने नहीं है, समझा रही हूं। अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई इस महीने की सेल पहले वाले महीने के प्रीवियस महीने के सेल से बड़ी है या कम हुई है, अगर बड़ी तो कितना परसेंट बड़ी है, कम हुई तो कितना परसेंट कम हुई है प्रीवियस महीने से, समझ आ रही है नहीं आ रही, वो डेटा यहाँ पे मौजूद है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, समराइज फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो बड़े से बड़े डेटा को समराइज करने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं किसका करते हैं, पिवट टेबल्स का करते हैं। भाई देखिए वैसे तो अभी भी आप फिल्ट्रेशन लगा के आप क्या करते हो, आप फिल्ट्रेशन लगा के आप खुद से मैन्युअली भी आप डेटा को समराइज कर सकते हो कि भाई जनवरी की कैटेगरी की सेल ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें मैनुअल काम करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन पिवट टेबल क्या करता है, आपको फौरन से रिपोर्ट तैयार करके दे देता है, फौरन से आपको पूरी शीट की पूरी डेटा की समरी, क्विक समरी बना के देता है, ठीक है। अब ये किया कैसे जाता है उसको जल्दी से देखते हैं। तो देखिए भाई उसी प्रैक्टिस फाइल में आप लोग आएंगे और सेल्स डेटा वाली शीट को ओपन करना है, किसको करना है, सेल्स डेटा वाली शीट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखें, अब एक प्रिकॉशन बेटा याद रखें, प्रिकॉशन क्या है कि अगर मैं क्या करता हूं, यहां से इस शीट को सिलेक्ट करता हूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, नीचे तक गया, शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां तक गया और मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने डेटा सिलेक्ट करके इस पे मैंने पिवट टेबल अप्लाई कर दिया। लेकिन डायरेक्ट पिवट टेबल अप्लाई करने का एक नुकसान है, वो बच्चे क्या है, एक क्या नुकसान है भाई, नुकसान ये है कि अगर मैं अपनी शीट को अपडेट करता हूं, इसमें 2-3 रोज ज्यादा एड करता हूं, तो मेरा पिवट टेबल अपडेट नहीं होगा, मेरा पिवट टेबल अपडेट नहीं होगा, ठीक है। एक नया कॉलम एड कर दिया, एक नई रो एड कर दी, तो फिर मुझे दोबारा से सिलेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा अपडेट, क्योंकि भाई देखें मैंने क्या कहा, मैंने सिलेक्शन कहां से कहां तक ली, मैंने पिवट टेबल को बताया कि भाई आपने जो वर्किंग करनी है ना, A4 से लेकर कहां तक करनी है, A4 से लेकर आपने वर्किंग करनी है H448 तक आपने वर्किंग करनी है, आपने यहां तक के डेटा को देखना है। तो जाहिर सी बात है जब रो बढ़ेगी तो डेटा तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, पुराने डेटा पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस मसले के हल के लिए आपने जब भी पिवट टेबल को अप्लाई करना है तो आपने ये काम करना है, सबसे पहले आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट करना है, टेबल में। कैसे करेंगे, करने आता है नहीं आता, आता है, ये डेटा को सिलेक्ट किया आपने, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पे होम पे गए और यहां पर फॉर्मेट एज टेबल लिखा हुआ आ रहा है, स्टाइल्स में जाएंगे, फॉर्मेट एज टेबल, जो स्टाइल अच्छा लगता है आप वो स्टाइल ले लें और यहां पर क्लिक कर दें, और यहां से आएगा अरेंज सारी सिलेक्ट हो गई और नीचे आपके पास आ रहा है एक ऑप्शन माई टेबल हैज हेडर, इसको चेक लगा के रखिएगा ताकि वो हेडर्स को कंसिडर करे, ठीक है। और यहां से मैंने ओके कर दिया तो पहली रो को हेडर कंसिडर कर देगा। अच्छा अब समझा क्या होगा कि आप जैसे टेबल में कन्वर्ट करोगे हैश हैश आ रहा होगा, जब भी ये हैश बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कॉलम छोटा है तो उसकी विड्थ आप बढ़ा दें, विड्थ बढ़ाएंगे तो ये आपका एरर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपर नजर आए हमें। अच्छा भाई क्लियर है, समझ में आ गई, चले आगे। अच्छा अब आपने ये इसको कॉलम हमने टेबल पर बना दिया, अब कुछ अपडेट भी करेंगे ना ऑटोमेटिकली हमारा पिवट टेबल अपडेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी टेबल बन चुका है। आपको पता है जब भी नई रो एड करोगे तो वो पूरा टेबल
ये नीचे एक रो बढ़ जाएगी, सेम फॉर्मेटिंग आपकी आती चली जाएगी, ठीक है। टेबल हमने पढ़ा था तो ऑटोमेटिकली टेबल भी अपडेट होगा और आपका पूरा टेबल भी अपडेट होगा। कैसे होगा इसको देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्लियर है, फिर क्या करना है, आपने टेबल में बना दिया, अपने टेबल के किसी भी सेल में सिलेक्ट कर लो, आप किसी भी सेल को क्लिक करो और फिर आपने क्या करना है, इनसाइट टेब में जाना है और इनसाइट टेब में जाओगे फर्स्ट ग्रुप नजर आएगा टेबल्स का, इसमें आपने पूरे टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल नंबर 3। अब इसने रेंज सेलेक्ट नहीं की, अब इसने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब टेबल जैसे अपडेट होगा तो पूरे टेबल भी आपका अपडेट हो जाएगा। लॉजिक समझ आई? चले अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको टेबल हो गया। अच्छा नीचे देखें भाई, नीचे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट का आ रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट का आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने पूरे टेबल को नई शीट पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि मेरी जो रिपोर्ट है वो नई शीट पे बन जाए, सही है, मेरी पुरानी शीट डिस्टर्ब ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारे पास एक नई शीट ओपन होके आ चुकी है और कुछ इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ये पूरे टेबल का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। अच्छा इसमें अगर आप गौर करें, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, आपके राइट हैंड साइड पर देखिए कुछ फील्ड्स बनी हुई आ रही हैं, ठीक है, और इसमें चार सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। एक में फिल्टर वाला सेल है, एक में कॉलम लिखा हुआ है, एक में रोज है, एक में वैल्यूज है। वैल्यूज वाले कॉलम में आपने हमेशा नंबर को डालना है, किसको डालना है, नंबर को डालना है। वैसे दूसरी फील्ड को भी डाल सकते हैं, उसको आगे देखेंगे हम, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली हम यहाँ पे क्या डालते हैं, वैल्यूज को डालते हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है, सम करना होता है, एवरेज करना होता है, जो भी करना होता है उसको उधर डालते हैं। भाई यहाँ तक समझ आ गई? और बाकी कॉलम और रो में डिफरेंट डिफरेंट आप क्या करोगे, फील्ड को डालते देखोगे किसमें डेटा अच्छे से समराइज होकर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए मैं जाता हूँ एयर को डालता हूँ रोज में, एयर में तो रोज में आ गई, और मैं सेल पर्सन को डालता हूँ कॉलम में, सेल पर्सन कॉलम की फॉर्म में आ गए, और सेल्स को डालता हूँ वैल्यूज में। देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि भाई 2013 में इस सेल पर्सन ने इतनी सेल किए, फिर दूसरे ने इतनी सेल किए, फिर उसने इतनी सेल किए, हर सेल पर्सन को देखिए आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, ग्रैंड टोटल आ रहा है, फिर लास्ट में क्या आ रहा है, सारों का, सारे सेल पर्सन का ग्रैंड टोटल आ रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप अपने लिहाज से क्या कर सकते हैं, डेटा को आप समराइज कर सकते हैं। अब देखिए अब सेल पर्सन को मैं लेकर आ गया रो में, और एयर को लेकर आ गया मैं कॉलम में, तो इस तरह से कुछ शो कर रहा है। तो जिस तरह से अच्छा आपका डेटा समराइज हो रहा है, आपने उस तरह से डेटा को क्या करना है, समराइज करके लिखना है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा आगे चलते हैं, उसके बाद चलें इसको मैं काम करता हूं, हम रो में लेकर आ जाते हैं मंथ्स को। अच्छा भाई देखें, अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं ना, बाहर क्लिक कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पिवट टेबल की फील्ड्स गायब हो रही हैं, ठीक है, और अंदर क्लिक जैसे ही करूंगा तो पिवट टेबल का दोबारा से यहां पर ये चीज आ जाएगी। भाई यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, ये तो नॉर्मल चीजें थी, लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। अच्छा आखिरी चीज देख लें इसमें क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल आप टाइप उठाते हो फिल्टर में लगा देते हो, जैसे फिल्टर में लगाओगे तो आपका टाइप आ जाएगी, जैसे फ्रोजन योगर्ट वाली आइसक्रीम थी, आपने उस पर क्लिक करके ओके किया तो उसी का सारा डेटा आ जाएगा, आप सेकंड कैटेगरी को लेकर जाके ओके करोगे उसी का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर में जो फील्ड रखोगे उसको फिल्टर कर सकते हो, उसके उससे उसके लिहाज से सारे डेटा को आप देख सकते हो डेटा, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा अब देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर मैंने ग्रुपिंग करनी है, क्या करनी है, अगर मैं चाहता हूं कि भाई वैसे तो देखो जनवरी का सारा डेटा ग्रुप होके आपके पास आ गया, समराइज होके आपके पास आ गया, ठीक है। दूसरा देखें, अगर मैं चाहता हूं कि भाई जनवरी फरवरी मार्च का डेटा समराइज होके मेरे पास आए, अप्रैल मई नवंबर का समराइज होकर आए, ठीक है, और दिसंबर का अलग समराइज होकर आए, तो ग्रुपिंग कैसे बनानी, ग्रुप को जरा देखते हैं। इसके देखे भाई दो तरीके हैं, इसको क्या हो गया है, अच्छा आ रही आवाज नहीं आ रही,
इसके दो तरीके हैं भाई, देखें जरा। पहला तरीका क्या है कि आपने जिस जिसका ग्रुप बनाना है आप उसको सिलेक्ट करें, जैसे जनवरी फरवरी और मार्च का मैंने ग्रुप बनाना है, इनको सिलेक्ट किया, पिवट टूल्स, पिवट टेबल के टूल्स के एनालाइज में आना है। एनालाइज में आओ तो देखिए मेरे पास ग्रुप वाला क्या होगा, ग्रुप होगा, इसमें मैंने ग्रुप सिलेक्शन पे आना है। जैसे ग्रुप सिलेक्शन में आओगे देखो ग्रुप बन गया, अब देखो डबल क्लिक करता हूँ ग्रुप कोलैप्स हो गया, डबल क्लिक करूंगा एक्सपेंड हो गया, समझ आ रही है। तो देखो इस पूरे ग्रुप की टोटल सेल मुझे ऊपर बता रहा है और अलग अलग इंडिविजुअल की इसके सामने बता रहा है, सही है। अब मैंने क्या करना है, अप्रैल मई और नवंबर की क्या करनी है, मैंने इनका ग्रुप बनाना है, सिलेक्ट किया और ग्रुप सिलेक्शन पे जाकर क्लिक कर दिया। अब देखो एक तीनों का एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया, दिसंबर का अलग ग्रुप बन गया, डबल क्लिक किया एक्सपेंड हो गया, इसको बनाना है, क्लिक किया सिलेक्ट किया और ग्रुप सिलेक्शन कर दी। अच्छा कह रहे पहले से ही ग्रुप बना हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर ये ग्रुप का नाम बड़ा अजीब नजर आ रहा है ना, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री, अजीब अजीब ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ नाम चेंज हो जाए, सही है, नाम कैसे चेंज हो जाए कि भाई फॉर एग्जाम्पल जनवरी फरवरी क्वार्टर वन में आ रहा था, मार्च अप्रैल मई क्वार्टर टू में आ रहा था, बाकी जो मंथ रहेगा वो क्वार्टर थ्री में आ रहा था, नाम चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे बताएं जरा, डबल क्लिक करेंगे, जैसे देखें सेल को रिनेम करते ना, डबल क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, नाम तो चेंज नहीं हो रहा। अब नाम चेंज करने के दो तरीके हैं, आप ग्रुप पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार आ गया, यहाँ पे क्लिक करके इसके नाम को डिलीट करके नाम चेंज कर दो, जैसे मैंने किया क्वार्टर नंबर वन और इंटर कर दिया, आपको आपका देखो नाम चेंज हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि नाम को सिलेक्ट करो और डायरेक्ट नाम लिख दो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू टी आर नंबर टू, क्वार्टर नंबर टू रिटर कर दिया, क्वार्टर नंबर टू हो गया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, आप नाम चेंज कर सकते हो भाई। ग्रुप बनाना आ गया आप लोगों को, अगर ग्रुप खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्लिक करो और क्या कर दो, अनग्रुप कर दो, वो सारे दोबारा से अनग्रुप में चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई। एक तरीका तो भाई ग्रुप बनाने का ये, दूसरा तरीका क्या, देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे मैंने देखे यहां पर मंथ से ना, रो में क्या पड़ा हुआ, मंथ आया हुआ, अब इस मंथ के नीचे अगर मैं कोई दूसरी फील्ड लेकर आऊंगा तो मंथ क्या बन जाएगा, मेन ग्रुप बन जाएगा, जो नीचे वाली फील्ड होगी उसके अंदर ग्रुप बन के आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैनेजर के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह से देखें, जैसे देखिए मंथ के अंडर में लेकर आता हूँ रीजन, मंथ के नीचे रीजन को लेकर आया, तो देखिए जो रीजन है वो मंथ की ग्रुप के अंदर आ गया, किसके ग्रुप के अंदर आ गया, मंथ के ग्रुप के अंदर आ गया। अब देखिए जनवरी को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और डबल क्लिक करूंगा अगेन तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो जिस फील्ड के नीचे आप दूसरी फील्ड लेकर आओगे ना तो वो उसका क्या बना देगी, ग्रुप बना देगी, ठीक है, समझ में आ गई, एक तरीका तो ये। अच्छा आप एक काम करते हैं, यहां से आप नीचे आते हैं और यहां से रीजन को मैं हटा देता हूं और यहां से हम ठीक हो गया, एयर को भी हम एक काम करते हैं हटा दें, चले हटा देते हैं, एयर को भी हटा दिया चले, या तो एयर को हम एयर को रख देते हैं चले। अच्छा भाई देखें एक और ऑप्शन देखते हैं फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं। एक और ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां पे देखो ये क्या है, सेल्स है ना मेरी, क्या है, क्या है भाई, क्या है, सेल, तो सेल्स पैसे है ना, तो सेल्स को मैंने क्या करना है, करेंसी की फॉर्म में दिखाना है, किस फॉर्म में दिखाना है, करेंसी की फॉर्म में, तो क्या करेंगे इसको करेंसी वाले फॉर्मेट में लेके जाना है, क्या करें, हाँ वेरी गुड शाबाश, क्या करेंगे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे भाई आप लोग, होम पे जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंसी में जाएंगे, नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से हम करेंसी में जाके हम इसको करेंसी में चेंज कर देंगे। लेकिन इसका एक मसला है, क्या मसला है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से फिल्टर चेंज करता हूँ पिवट टेबल में, तो जब डेटा मेरा एक्सपेंड हो जाएगा, अब तो डेटा यहाँ तक आ रहा है, मैंने सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक ली और इसको मैंने क्या किया है, करेंसी वाला फॉर्मेट दिया है, लेकिन जब
डेटा मेरा बढ़ जाएगा तो सिलेक्शन तो मैंने यहाँ तक तो नहीं ली ना, तो वो आगे वाला डेटा मेरा करेंसी के फॉर्मेट में नहीं आएगा, मुझे फिर सिलेक्ट करके करेंसी में लेके जाना पड़ेगा। समझ आ रही है यार? अब इसका क्या हल है? इसका सिंपल सा हल ये है कि आप एक छोटा सा काम कर लें। क्या काम करें? आप जाएं यहाँ पर सेल्स को करेंसी में कन्वर्ट करना है ना, आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं या तो इधर ही क्लिक करना है भाई, राइट क्लिक काम नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पे आपने जाना है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में। भाई देखिए वैल्यू में आए और सम ऑफ सेल्स में गए और वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपने चले जाना है। चले गए। अब यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा नंबर फॉर्मेट का, नंबर फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने आना है करेंसी में और यहाँ से करेंसी अपने मुताबिक कोई भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको ठीक लगती है। ठीक है, यहाँ से रुपीज का सैंपल या आप डॉलर वगैरह जो भी लेना चाहे आप दे सकते हैं और आप ओके करेंगे और दोबारा ओके करेंगे, देखेंगे आपके सारे का सारा डेटा किसमें चेंज हो गया, करेंसी में चेंज हो गया। अब चाहे आपकी क्या हो जाए, ये सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? कम हो जाए ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, देखें सारों के साथ करेंसी का साइन नजर आ रहा है। देखो सिलेक्शन एक्सपेंड हो गई ना, लेकिन अब हर एक के साथ आपको करेंसी नजर आ रही है। लेकिन आप पुराने तरीके से करते तो क्या होता, सिर्फ उस स्पेसिफिक पोर्शन में करेंसी का सिंबल आता, बाकी में सिंबल नहीं आ पाता। भाई क्लियर है यहां तक? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आगे पढ़ा दो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चले चले 10 मिनट आपको देता हूं, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई किस तरह से, अगर मिसाल के तौर पर डिफॉल्ट हम वैल्यूज में किसी भी नंबर वाले कॉलम को डालते हैं तो उसको क्या करता है, सम करता है। पिवट टेबल ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था उसको, अगर मैंने सम के बजाय मैंने एवरेज करना, एवरेज देखना है या सम और एवरेज दोनों देखना है, या तो मैंने ये देखना है कि भाई इस महीने की जो सेल है पिछले महीने से कितना परसेंट बढ़ गई है या कितना परसेंट कम हो गई है, तो ये मैं कैसे देखूंगा पिवट टेबल में, ठीक है, कैसे रिपोर्ट उसकी बनाऊंगा ये देखते हैं। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। टाइप को मैं यहाँ से फिल्टर से हटा देता हूँ और मंथ को लगा रहने देते हैं, एयर को भी हम हटा देते हैं और यहाँ से हम रीजन को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये सिंपल मेरे पास आ गया। अब देखिए ये मुझे क्या बता रहा है, सम ऑफ सेल्स बता रहा है। क्या बता रहा है? सम ऑफ सेल्स बता रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल चले एक और काम करके देखते हैं, यहां से मैं सम ऑफ सेल्स को हटाता हूँ वैल्यूज में से और यहाँ पे मैं सेल पर्सन को लेकर आता हूँ, तो बताएं क्या होगा। सेल पर्सन में तो भाई कोई नंबर नहीं है ना, सेल पर्सन में क्या है, नाम है। तो अब पिवट टेबल क्या करेगा बताएं, अब क्या करेगा पिवट टेबल, थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्या करेगा, अब क्या रिजल्ट शो करेगा, कुछ नहीं करेगा, कितने करें कुछ नहीं करेगा। भाई देखें नाम को सम नहीं किया जा सकता, नाम को क्या किया जाता है, नाम को काउंट किया जाता है। तो देखें इसने बता दिया कि भाई जनवरी में इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी सेल हुई है, मार्च में इतनी हुई है, अप्रैल में इतने सेल पर्सन ने काम किए, मई में इतने ने किए, नवंबर में इतने ने किए, दिसंबर में इतने सेल पर्सन ने काम किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या किया, सेंस कर लिया कि भाई ये नाम है तो नाम को मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबका फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्या लगाना है, काउंट का लगाना है। देखो यहाँ पर हेडिंग में भी क्या लिखा हुआ है, काउंट ऑफ सेल पर्सन लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अच्छा अब मैंने काउंट वाला बता दिया आपको। अब एक काम करते हैं, दोबारा से यहाँ पे सेल्स को लेकर आता हूँ। अब मैंने ये देखना है कि भाई मुझे सब तो नजर आ रहा है, सब तो मुझे मिल गया, मैं चाहता हूँ एवरेज भी मुझे नजर आ रहा है, एवरेज सेल्स भी देखना चाह रहा हूँ हर महीने की। तो फिर क्या करूंगा मैं, यहां से देखें दोबारा सेल्स को उठाऊंगा और वैल्यूज में लाके मैं इसको यहां पर रख दूंगा। ठीक है, जैसे ही लेकर आऊंगा तो देखें सेकंड कॉलम क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल टू लिखा हुआ है। मैंने यहां पे जाना है ड्रॉप डाउन पे और सम ऑफ सेल टू की वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सब ऑटो सिलेक्ट हुआ है, मैं इसको एवरेज पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर कस्टम नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ, टू को हटा के एवरेज ऑफ सेल्स में लिख देता हूँ। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? हेलो,
ऊपर से मैंने सेल्स का डेटा उठाया, दहेज में पुट किया, उसका अगेन नाम क्या लिखा हुआ रहा था, सम ऑफ सेल टू लिखा हुआ रहा था। मैंने इस वाले फील्ड में गया, उसको मैंने एडिट फील्ड सेटिंग में गया और यहां से मैंने सम को हटा के एवरेज सेलेक्ट कर लिया और यहां से टू को हटा के मैंने एवरेज ऑफ सेल नाम रख दिया, ठीक है। और यहां से आप जैसे ही ओके करेंगे, देखें अब सेकंड वाले कॉलम में क्या बताया था, एवरेज ऑफ सेल्स निकाल के आपको दे देगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास मुझे पता लगे जो मेरी सेल है पिछले महीने के मुकाबले में कितना परसेंट बढ़ी है या कितना परसेंट कम हुई है। अब मैंने अगर ये चेक करना है तो क्या करूंगा, फिर देखते हैं। अगेन मुझे क्या चाहिए होगा, तीसरा कॉलम चाहिए होगा। मैं ये नहीं चाह रहा था ये हट जाए, इसकी जगह आ जाए, मैं चाह रहा हूं ये भी मौजूद हो, ये भी मौजूद हो, एक और कॉलम मेरे पास आ गया। तो फिर क्या करना है, अगेन मैंने यहां से सेल्स को उठाना है और उठाने के बाद वैल्यूज में लेके जाके मैंने इसको ड्रॉप कर देना है। अगेन देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सेल्स टू लिखा हुआ है, इसको मैंने लेना है। तो सम ऑफ सेल्स टू ये आ रहा, इसको मैंने लिया, क्लिक किया इसके ऊपर और इसको मैं कर देता हूं मूव टू एंड कर देता हूं ताकि सबसे आखिर में ये आ गया, सबसे आखिर में आ गया। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, नीचे जाना है यहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और इस पर क्लिक करना है और यहां से वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले जाना है। समझ आ गई, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आ गया। अब देखिए यहां पर सेकंड टैब में आता है, एक तो आ रहा है समराइज वैल्यू का, सेकंड टैब आ रहा है शो वैल्यूज, शो वैल्यूज पे आप जैसे ही जाओगे तो देखो शो वैल्यूज में लिखा हुआ है नो कैलकुलेशन, मतलब कि न्यूट्रल शो कर रहा है। अगर सम लगाओगे तो सिंपल सम करेगा, एवरेज लगाओगे तो एवरेज करेगा, कुछ भी अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या करना है, शो वैल्यूज को यहां से चेंज करना है हमने, ठीक है, हमने कोई कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। मैंने क्या कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे आ रही है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल निकाल के देगा, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल निकाल के देगा, परसेंटेज ऑफ रो टोटल निकाल के देगा, ठीक है। मैं यहां से निकालता हूं परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, ठीक है, मुझे परसेंटेज चाहिए लेकिन डिफरेंस चाहिए, फर्क चाहिए, ठीक है, किसी भी फील्ड का, महीने का फर्क निकाल सकता हूं, रीजन का फर्क निकाल सकता हूं, सेल परसेंट का फर्क निकाल सकता हूं। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, यानी कि पहले सेल परसेंट के मुकाबले में दूसरे सेल परसेंट ने कितने परसेंट ज्यादा सेल किए या कितने परसेंट कम सेल किए, समझ आ रही है, वो देखना है। तो मैं क्या करूंगा, सेल परसेंट सेलेक्ट कर लूंगा, मंथ वाइज देखना है तो मंथ सेलेक्ट कर लूंगा। कैसे देखें, यहां पर परसेंटेज ऑफ डिफरेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया कैलकुलेशन में। अब देखिए दो नीचे कॉलम बने हुए आ रहे हैं, एक आ रहा है बेस फील्ड, इसमें आप सिलेक्ट करोगे किसके लिहाज से आपने देखना है, आपने मंथ के लिहाज से देखना है, टाइप के लिहाज से देखना है, सेल परसेंट के लिहाज से देखना है, आपने रीजन के लिहाज से देखना है, ये बात समझ में आ गई। सेकंड क्या लिखा हुआ है, बेस आइटम, बेस आइटम का मतलब कि भाई आपने किसको देखना है, मतलब कि बेस आइटम में क्या बता रहा है, प्रीवियस फिर नेक्स्ट, मतलब कि प्रीवियस मंथ को अगले मंथ के लिहाज से कंपेयर करेगा, समझा रही है। अगर मैं यहां से देखें टाइप ले लेता हूं तो क्या बताएगा, टाइप यहां पर आ जाएगी कि भाई प्रीवियस टाइप को अगली टाइप के साथ कंपेयर करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यहां से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। जैसे मंथ के लिहाज से देखना है, मंथ आपने सिलेक्ट किया हो, जस्ट आपने यहां पर क्या करना है, ओके कर लेना है, ठीक है। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि भाई ये जो फील्ड बनेगी इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स कैसे आए, खैर ये तो परसेंटेज सिलेक्ट किया ना, ये तो परसेंटेज में ही आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए सब आ गया, परसेंटेज के लिए आ गई कि भाई पिछले जनवरी के मुकाबले में फरवरी में क्या हुई है, 1.56% ज्यादा सेल हुई है। अच्छा, फरवरी और मार्च को कंपेयर करें, जनवरी के मुकाबले में फरवरी में, सॉरी ये रहा ना, फरवरी के मुकाबले में जनवरी में 24% क्या हुई है, ज्यादा सेल हुई है, और जनवरी के मुकाबले में फरवरी के मुकाबले में मार्च में कितनी सेल हुई है, -17.56% सेल हुई है। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो पहले वाले मंथ को दूसरे वाले मंथ के साथ क्या कर रहा है, ये परसेंटेज वाइज क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरह से कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकते हो अपने पिवट टेबल में, समझ में आ गई। अच्छा देखें, यहां पर आपको करेंसी का साइन लेकर आना है, नहीं आ रहा तो अगेन मैंने आपको बताया क्या करेंगे, उसी सेल वाले में जाएंगे, सब में करेंसी लानी क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, करेंसी में जाएंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। देखें इसकी करेंसी आ गई, फिर एवरेज वाले में भी करेंसी लानी, नीचे जाए एवरेज पे सिलेक्ट करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाए, नंबर फॉर्मेट में जाए, करेंसी में जाए और ओके कर दें, और फिर दोबारा ओके कर दें, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह
तरह से हम पिवट टेबल में डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। भाई क्लियर है, समझ आ रही है? चले अब इसकी प्रैक्टिस करें, आप लोग इसमें कोई मसला आता है तो पूछे मेरे से।